किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक झड़प ने सबको हैरान परेशान कर दिया। एक तरफ 26 जनवरी की परेड तो दूसरी ओर किसानों का प्रदर्शन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आंदोलन के पीछे क्या सच है और क्या झूठ? इस प्रदर्शन के कुछ तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरों में कितनी सच्चाई है। पहला सवाल, क्या लाल किले पर फहराया गया झंडा खालिस्तान का था? सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, उसके मुताबिक ये झंडा खालिस्तान का है। आप भी यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झंडा निशान साहिब सिख धर्म के लोगों का एक पवित्र ध्वज है जिसमें खंडा बना है, तो इससे ये बात तो साफ होती है कि वहाँ फहराया गया झंडा खालिस्तान का नहीं था। दूसरा सवाल, क्या पुलिस की गोली से नवनीत नाम के किसान की मौत हुई थी? सोशल मीडिया में एक अफवाह फैली हुई है कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई, जिसको लेकर शाम दिल्ली पुलिस को वीडियो रिलीज करना पड़ा कि कैसे किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई। बाद में अविनाश चंद, जो कि रामपुर यूपी के एडीजी बरेली हैं, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि कल जो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान की मौत हुई है वो गोली लगने से नहीं बल्कि ट्रैक्टर पलटने से हुई है। तीसरा सवाल, दीप सिद्धू, जिसे सोशल मीडिया पर हिंसा का जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्या वो बीजेपी का प्लांट किया हुआ आदमी है? इसको लेकर जो खबरें वायरल हो रही हैं, उनके पीछे असली सच ये है कि किसी के पास भी ये प्रूफ नहीं है कि वो बीजेपी का आदमी है, लेकिन वो इस प्रदर्शन में शामिल था और लोगों को भड़का रहा था, इसकी पुष्टि वायरल फोटो और वीडियो से की जा रही है। हालांकि NIA ने 15 दिसंबर को दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तान संगठन से संबंध होने के शक पर समन जारी किया था। बहुत सारे किसान समर्थक के सोशल मीडिया से भी दीप सिद्धू के वीडियो को लगातार शेयर भी किया जा रहा था। चौथा सवाल, क्या सभी किसान नेता ने लिखित तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत ली थी? किसानों ने शांतिपूर्ण परेड प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत ली थी, जिसके लिए रूट तैयार किए गए थे। सोशल मीडिया पर कही जा रही ये बात सही है, कई किसान नेताओं ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि किसान आंदोलन तय रूट से भटक गया और बैरिकेडिंग तोड़ते और बवाल करते हुए रिंग रोड पर होते हुए ITU चौराहा और लाल किले तक आ गया, जो तय रूट नहीं था। पांचवा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ बर्बरता की? सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज की, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। इनमें बहुत सारे अफवाह भ्रामक और समाज में द्वेष फैलाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे हैं। हम ट्रेंडिंग न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करते हैं, सोशल मीडिया के ऐसे अफवाहों से बचें और किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान लें। ट्रेंडिंग न्यूज को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल ID जरूर दें, हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।